दोस्तों साल 2005 में एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म आई थी द एग्जोर्सिज्म। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ये आधारित थी एनालिस मिशेल की कहानी पर, जो कि दुनिया के इतिहास में एग्जोर्सिज्म की वन ऑफ द मोस्ट फेमस घटना है। एनालिस मिशेल, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में वेस्ट जर्मनी में हुआ था। जब ये 16 साल की थी तो एक दिन स्कूल में अचानक से बेहोश हो गई। इसके दोस्त बताते हैं कि जब ये बेहोश हुई तो ये एक दो मिनट के लिए एक बड़ी ही अजीब सी ट्रांस लाइक स्टेट में थी, मतलब कि वो हाफ कॉन्शियस स्टेट में थी। उस शाम को जब वो अपने घर वापस लौटी और अपने कमरे में सोने के लिए गई तो उस रात अचानक से उसकी नींद खुलती है और वो कहती है कि उसे ऐसा लगा कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही हैवी सी फीलिंग आ रही है। बिस्तर पर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने पेशाब कर दिया था रात में, लेकिन उस रात के बाद कई हफ्तों और महीनों तक कुछ नहीं होता है। फिर एक साल बाद 1969 में एक बार फिर से ऐसा इंसिडेंट होता है और इस बार एनालिस के पेरेंट्स को लगता है कि उसे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। जब एनालिस के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो ना तो डॉक्टर को और ना ही न्यूरोलॉजिस्ट को कुछ भी गलत मिला एनालिस के केस में। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो एकदम ठीक थी, लेकिन फिर एक साल बाद फरवरी 1970 में एनालिस को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इस बार जब वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी तो एनालिस कहती है कि उसे बड़े ही अजीबोगरीब कलर्स दिखाई दिए और आवाजें सुनाई दी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्स है, जिसकी वजह से इसे ऐसे कलर्स और आवाजें सुनाई दे रही हैं। नाउ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो ये इतनी रेयर बीमारी नहीं है, इसकी वजह से दुनिया भर में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से सफर करते हैं। बट एनालिस का केस काफी अनोखा था। कुछ ही दिनों बाद एनालिस को बहुत ही खतरनाक हेलुसिनेशंस होने लगी। उसे ऐसी चीजें दिखने लगी जो किसी और को नहीं दिखाई देती थी। उसे ऐसी आवाजें सुनने में आई जो और किसी को नहीं सुनाई देती थी। उसके सर में कुछ ऐसी आवाजें गूंजती थी जो उससे बार बार कहती थी कि वो शापित है, जिसके चलते वो भारी डिप्रेशन में चली गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कैथोलिक क्रिश्चियन लोग एक टाइप की प्रेयर करते हैं जिसे करने के लिए वो घुटनों पर बैठते हैं। इसी चीज को एनालिस दिन में 600-600 बार करने लगी, जिसकी वजह से उसके घुटनों के लिगामेंट्स डैमेज हो गए। फिर एक बार वो टेबल के नीचे जाकर छुप गई और लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकने लगी। एक बार उसने एक मकड़ी को खा लिया, एक बार एक कोयले के टुकड़े को खा लिया और एक बार तो उसने एक चिड़िया को भी खा लिया। उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर्स से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक विशप के पास गए और विशप से कहा कि वो एनालिस पर एक्सोर्सिज्म करे। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है कि किसी के शरीर के अंदर से धार्मिक प्रक्रियाओं द्वारा किसी शैतान की आत्मा को बाहर निकालना। इंडिया में इसे झाड़ फूंक कहते हैं।